हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग हॉबीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी का चीला। तो सूजी का चीला बनाने के लिए मैंने लिया है सूजी, प्याज, शिमला मिर्च, नमक, करी पत्ता, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, ऑयल, दही और हरा धनिया। तो बनाना शुरू करते हैं। एक बोल में डालेंगे सूजी, दो चम्मच दही डालेंगे और पानी डाल के इसका गाढ़ा बैटर बना लेंगे। एक ही बार में ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, नहीं तो घोल बहुत पतला हो जाएगा तो फिर चीला अच्छा नहीं बनेगा। घोल बना के इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। हो गए हैं, बैटर को एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च। बारीक कटे हुए लहसुन, हरी मिर्च, जीरा और करी पत्ता डालेंगे। हरा धनिया डालेंगे। नमक डाल के अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। बनाने के लिए बैटर तैयार है। पैन गर्म करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे पैन में। अब बैटर डालेंगे और अच्छे से फैला देंगे इसको। बहुत पतला नहीं फैलाना है और जितना छोटा या बड़ा जैसा भी आपको बनाना हो उसके हिसाब से बैटर डालें। थोड़ा सा और ऑयल डाल देंगे। चीला जब एक साइड थोड़ा सिक जाएगा तो इसको पलट लेंगे। तीन बार इसी तरह से पलट पलट के सेक लेंगे चीला। बस अब चीला सेक गया है, इसको निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से दूसरा चीला भी बना लेंगे। सूजी का चीला बहुत कम ऑयल में बन जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में। आप लोग जरूर ट्राई करें इसको। दूसरा चीला भी बन गया है।
तो बस अब सूजी का चीला बन के तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।